नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने राज्य में विस्थापन आयोग के गठन की मांग की है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि विस्थापन राज्य में एक अभिशाप की तरह है। उन्होंने राज्य से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक महीने के अंदर विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग की। मेहता ने कहा कि 23 अक्टूबर को रांची के SDC सभागार में विस्थापन पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आदिवासी संगठनों के लोग भाग लेंगे। झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, वैसे ये देश के लिए समस्या है, लेकिन सबसे अधिक झारखंड में यही पर कोयला वगैरह सबसे अधिक झारखंड में है। दूसरे वे खनिज पदार्थों का भंडार झारखंड में है और इसलिए यहाँ पर जो झारखंड में जब से शुरू हुआ कोल इंडिया के द्वारा खास करके CCL तो लगभग कोल इंडिया से केवल 20 से 25 लाख लोग विस्थापित। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है किसानों को, गरीबों को, आदिवासी दल को, कोल इंडिया से। उसके बाद NTPC है, GBC है, सेल है, इस्पात है, ये सारे कल कारखाने से लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हुए हैं के बाद, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। अभी 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने DBC का उद्घाटन किया था 1953 में, आप चले जाते हैं। अब उन्हीं का ये दीवार DBC है, लेकिन DBC ने जो वादा किया था, DBC में जो एग्रीमेंट हुआ था बंगाल बिहार झारखंड से, उस समय तो झारखंड था नहीं, लेकिन वो एक भी वादा, एक भी एग्रीमेंट पूरा नहीं किया। अभी भी 16,000 लोग बेकार हैं, जिनको जिनका जमीन गया उनको नौकरी नहीं मिला। इसी तरह से कोल इंडिया में जमीन ले लिया, कोयला का उत्पादन कर लिया, लेकिन उसको नौकरी नहीं दिया। हजारों लोग ऐसे हैं CCL में, BCCL में, जिनको नौकरी नहीं मिला। सबसे अधिक जो ये चौंकाने वाली बात है कि BCCL में, CCL में लगभग 4800 महिला जो आदिवासी हैं, लगभग 90% आदिवासी है, उसको ऑफिस के बाबू लोग, दूसरे लोग रखेल के रूप में रखा, उसका पैसा भी लिया और उसका शारीरिक दोहन भी लिया। बराबर बार बार रिपोर्ट होते रहा इसका, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। आज स्थिति यह है, अभी तक लगभग 26 कोल ब्लॉक का पहले आमंत्रण हो चुका है प्राइवेट लोगों को।